अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मेहर पकवान। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए फ्रूट चाट की रेसिपी। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। जैसे कि रमज़ान करीब आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। तो मैं सबसे पहले यहाँ फ्रूट्स को छील लेती हूँ। मैंने इन्हें अच्छे से वॉश करके रख लिया है इधर, और हमें छिलका जो है वो बारीक उतारना है, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो छिलका उतारते उतारते सारा फ्रूट ही ख़त्म कर देते हैं। फ्रूट्स को छील लेने के बाद यहाँ मैंने काला नमक ले लिया है, तकरीबन ये मैं एक चुटकी लूँगी। साथ ही मैंने यहाँ काली मिर्च पाउडर भी ले लिया है और ये भी मैं एक चुटकी लूँगी। चाट मसाला 1/2 टीस्पून। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। शुगर ले लेंगे 1/2 कप, आप ग्राइंडेड शुगर भी ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ मैंने अमरूद जो हैं वो क्यूब्स में काट के रख लिए हैं विदाउट छिलके, क्योंकि हमारे घर छिलकों के साथ ही खाए जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने ये माल्टो को भी छील लिया था, माल्टो के अंदर जितने बीज थे वो सारे मैंने रिमूव कर दिए हैं। चाट मसाला, यहाँ मैंने लोबिया को उबाल लिया था और ये तकरीबन मैंने यहाँ 1/2 कप ली है। यहाँ मैंने 2 अदद केले लिए हैं और इन्हें भी मैंने काट लिया है। साथ ही यहाँ मैंने सेब भी काट के रख लिए हैं और इनके छिलके उतार दिए थे। ये हमारे पास काला नमक है, तो मार्केट में अवेलेबल हो आप वो भी फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो मुझे मार्केट में अवेलेबल थे तो मैंने वो फल यूज़ किए हैं। इंग्रेडिएंट्स हमारे पूरे हो चुके हैं, अब हम इसकी मिक्सिंग पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले बाउल में चीनी डाल लेंगे, आप ग्राइंडेड चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें लाल लोबिया ऐड करूंगी, और हाँ, जो लोग ज़्यादा शुगर इस्तेमाल नहीं करते तो वो अपने हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। फलों की अपनी भी मिठास होती है, तो इस वजह से हमें उस क्वांटिटी को बैलेंस रखना है। अब मैं सारे फ्रूट्स बाउल में ऐड कर लूंगी। हमारी फ्रूट चाट की ख़ास बात यह है कि मैं इसमें लाल लोबिया यूज़ कर रही हूँ। लाल लोबिया अक्सर बच्चे नहीं खाते, लेकिन आप जब इसे फ्रूट चाट में ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार जायका आ जाएगा। और अक्सर बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स के साथ लोबिया खा लेते हैं और ये बहुत हेल्दी होती है, तो इस वजह से हम सालन में अगर नहीं बनाते तो फिर हम इसी तरह फ्रूट चाट बना के उनको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे फ्रूट्स हो चुके हैं, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसालों में मैंने चाट मसाला लिया है, काला नमक लिया है और काली मिर्च ली हैं। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इस फ्रूट चाट की अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी ताकि सारे फ्रूट अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि हमारा शीरा भी थोड़ा सा रेडी हो जाए और उससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है, देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रही है, और जिसे लोबिया ना भी पसंद हो वो भी ये फ्रूट चाट ज़रूर खाएगा। रमज़ान आने वाला है, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। डिफरेंट रेसिपी है, आप घर में बच्चों को भी खिलाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।